लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। रेल लाइन बिछाने के लिए सुखाई गई नहर तो मिला ही ये खजाना। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम डैम में एक नहर की खुदाई से विशेषज्ञों को जो कुछ मिला है उससे उनकी आंखें फटी रह गई हैं। यह नहर शहर की नदी एम्स्टर्डम से जुड़ी थी जिसे नई रेल लाइन बिछाने के लिए सुखाया जा रहा है। इस नहर से शोधकर्ताओं को कम से कम 7 लाख से ज्यादा चीजें मिली हैं। इनमें से 20,000 चीजों को बिलोद सरफेस वेबसाइट पर दर्ज करा दिया गया है ताकि लोग इसे गहराई से देख सकें। इस नहर की खुदाई करने वाली टीम से जुड़े प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर जर्जी गौरवनस्की ने बताया कि नहर से मिली कुछ चीजें 1.20 लाख साल पुरानी हैं। विशेषज्ञ इसे प्राचीन काल से दबा हुआ खजाना बता रहे हैं। खुदाई का यह प्रोजेक्ट 15 साल से चल रहा था और विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे लोगों को अपने इतिहास के बारे में करीब से जानने में मदद मिलेगी। इन चीजों में विशेषज्ञों को 1,500 साल पुरानी कंघी, मगरमच्छ के दांत और एक इंसान की कूल्हे की हड्डी का टुकड़ा मिला है। इसके अलावा सैकड़ों हजारों साल पुरानी समुद्री कौड़ियां भी मिली हैं। इस खजाने की खास बात है 21वीं सदी की शुरुआत में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन के अवशेष और उस दौर के कुछ क्रेडिट कार्ड भी मिले हैं। प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर गौरवनस्की का कहना है कि इन चीजों को वेबसाइट पर सिलसिलेवार पेश किया गया, इससे लोग अपने शहर के इतिहास को करीब से देख व समझ पाएंगे।